ये बुढ़ापा आता क्यों होगा? एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमार हो गया। दादाजी आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। मैं कह रहा हूँ ठीक हो जाओगे। हाँ, तू तो सर्वशक्तिमान है, जो कह दिया हो जाता है। तूने कह दिया ठीक हो जाएगा, हो जाऊंगा मैं। आई, तू ही है सब कुछ दुनिया में। हट। अरे पिताजी, आप आराम करो, गुस्सा मत करो। बिट्टू, अपने दादाजी को आराम करने दे, जा अंदर कमरे में जा और पढ़ाई कर। अजय सुनते हो, आपको तनख्वाह मिलने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, मेरे काम के पैसे मिल गए हैं। क्यों? अच्छा, आपकी तनख्वाह मिल गई है। चलो चलो बाजार चलते हैं, घर का कुछ सामान लेना है। पापा, हाँ चलो बाजार चलो। हाँ चलो बाजार चलो। 12,000 रुपये तनख्वाह कुल मिली है, उसको फूक दो, खर्च कर दो, फिर पूरे महीने भीख मांगना। अरे पिताजी बीमार हैं, खुदा न खास्ता अगर मर गए, मैं फिर अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? 12,000 रुपये तनख्वाह कुल मिली है, उसमें भी बाजार चलते हैं। हट, जाओ पढ़ाई करो और तू जा खाना बना। बाजार चलते हैं, पिताजी के अंतिम संस्कार की कोई चिंता नहीं है इनको। हाँ बेटा, अंतिम संस्कार कर दे मेरा, लगा दे बिस्तर में ही आग, तेरे पैसे भी बच जाएंगे। आई, मर गया रे। ये नहीं डॉक्टर को बुला दूं? किसी को बाजार जाने की पड़ी है, किसी को मेरा अंतिम संस्कार का इंतजार है। ये बुढ़ापा आता क्यों होगा? एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमार हो गया। आई, अरे अरे पिताजी गुस्सा मत करो, आराम करो, आराम आराम। अरे चुप, कोई नहीं होता बुढ़ापे में अपना। अरे ससुर जी, आराम से सो जाओ, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाऊं। चाय पी लो, चाय चाय चाय। हाँ हाँ, गरम चाय बना, पिला गरम चाय। इतनी गर्मी में गरम चाय पिलाकर मार दे, मार दे। जब अपना बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहू अपनी कैसे रहेगी? पहले बोलती, ससुर जी गर्मी हो रही है, ठंडा पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, पर नहीं, गरम गरम चाय बनाकर लाऊं। अरे हट, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से गरम चाय पिलाकर मारना चाहती है। कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। मम्मी, मुझे लगता है दादाजी को प्यार की जरूरत है, हमको उन्हें प्यार करना चाहिए। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, जो मैं बोलूंगा वही करना। दादाजी, आई लव यू। मम्मी, अब आपकी बारी। ससुर जी, आई लव यू। अरे बहू, हो गया, मैं समझ गया, समझ गया। पिताजी, आई लव यू। हाँ हाँ, दादाजी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अरे हाँ हाँ पोते, मैं समझ गया, बस कर बस कर। ससुर जी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। कितने अच्छे हो तुम लोग। मैं तो समझता था कोई अपना नहीं होता, लेकिन सब अपने होते हैं, सब। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, सब कितने अच्छे हैं, सब मेरे हैं, मेरे मेरे। ससुर जी, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, जब आप मर जाओगे मैं आपके नाम का खाना बनाऊंगी। ससुर जी दाल, ससुर जी चावल, ससुर जी हलवा, ससुर जी चिकन, ससुर जी मटन, ससुर जी लेग पीस। अरे चुप हो जा, चुप, पागल हूँ मैं? हट, कोई अपना नहीं होता। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमार हो गया, ऊपर से ये पागल लोग। अरे अरे पिताजी, इतनी जोर से मत खासो, बुढ़ापा है, कहीं टपक जाओगे, टपक। हाँ, मेरे टपकने का इंतजार कर रहा है तू? मुझे टपका दे, ले मार दे, ले मार दे, मुझे मार दे, ले ले मार मार। अरे अरे दादाजी, आपको पापा क्यों मारेंगे? आपके बदले मैं मार खा लेता हूँ। लो पापा, मुझे मारो, मारो मारो मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। मैं तो मजाक कर रहा था, सच में मार दिया। आई 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 अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? हटो यहाँ से, आराम से सोने नहीं देते। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमार हो गया। लगता है बिस्तर में लेटे लेटे ससुर जी का दिमाग खराब हो गया है। ससुर जी को कहीं घुमाने ले जाओ, क्या पता इनका दिमाग ठीक हो जाए। हाँ हाँ पिताजी, उठो बाहर घुमा के लाता हूँ, उठो उठो, चलो 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 चलो। अरे हट, बाहर घुमाएगा? अरे घुमाना है तो दिल्ली घुमा, मुंबई घुमा, अमेरिका घुमा, कोई अच्छी जगह घुमा, बाहर घुमाएगा। हट,
अरे पिताजी, आप जहाँ कहते मैं वहाँ घुमा देता, लेकिन एक तो आप बुढ़े हो, ऊपर से बीमार हो। अगर मैं आपको घुमाने ले गया और रास्ते में आप मर गए तो अरे हट, मुझे मारने की बहुत जल्दी है तुझे। ले मार। दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं घुमाऊंगा आपको। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ घुमाऊंगा आपको। तेरे बड़े होने तक मैं तुझे देखे रहूं। मेरा पोता बड़ा होगा फिर मुझे घुमाएगा। घुमाना है तो अभी घुमा, अभी अभी अभी। अच्छा अभी क्या करूँ। हाँ दादाजी, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ, फिर आपको घुमाने ले चलता हूँ। अरे बिट्टू, कहाँ जा रहा है? अंकल नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। आपकी दुकान में पटाखे मिल जाएंगे? पटाखे? पटाखे आजकल कहाँ पटाखे मिलते हैं, पटाखे तो दिवाली में मिलेंगे। दिवाली में तुझे क्या चाहिए? मुझे रॉकेट चाहिए था। तुझे रॉकेट चाहिए? रॉकेट। हाँ एक रॉकेट बचा है मेरे पास, लेकिन बहुत महंगा है, इसीलिए किसी ने नहीं खरीदा। बड़ा है लेकिन महंगा है, मैं दिखाता हूँ, रुक। ये रॉकेट है, दिखाओ जरा। ये रॉकेट कितनी दूर जाएगा? इसको यहाँ जलाते हैं तो ये सीधे अमेरिका जाता है, अमेरिका। बेटा इसीलिए महंगा है। अच्छा यही रॉकेट तो चाहिए था? यही चाहिए था, तो ले जा। चलता हूँ फिर। अच्छा नमस्ते। ओए कहाँ चलता हूँ, पैसे तो दे जा। पैसे? पैसे? अमीर आदमी देखा नहीं, मांगना शुरू कर दिया। इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम करके पैसे कमाओ, ये पैसे मांगने की उम्र है आपकी। चलता हूँ। है? आ, 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 थक गया, दौड़ के आया। दादाजी आप अमेरिका घूमने जाओगे? हाँ हाँ। अच्छा लो इस रॉकेट को पीछे से पकड़ो। अरे ये क्या कर रहा है? पिताजी इसकी बातों में मत आओ। अरे तू चुप कर, बीच में बोलता है, मेरे और पोते के बीच की बात है। ला पोते, पकड़ता हूँ। मैं इस रॉकेट को पीछे से जलाता हूँ। हाँ हाँ जला जला। चल गया। दादाजी आप पूरा अमेरिका घूम के आना, बाय। हाँ हाँ। पिताजी कहाँ गए? मैंने दादाजी को रॉकेट से अमेरिका भेज दिया। अमेरिका? अमेरिका? अरे मूर्ख, वो पटाखे वाला रॉकेट है, बाहर थोड़ी दूर जाकर आसमान में फट जाएगा। दिमाग ठीक है तेरा? अमेरिका छोड़, वो मोहल्ले से बाहर नहीं जाएगा रॉकेट। लेकिन दुकान वाला कह रहा था रॉकेट यहाँ जलाएंगे तो सीधे अमेरिका जाएगा, अमेरिका। अरे चुप कर। मेरे पिताजी, 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 बिट्टू।